हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपका खाता SBI में है या फिर नहीं है, ठीक है, पर आप उसका क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको मैं इस वीडियो में दो तरीके बताऊंगा जो कि आप दो तरीकों से ही क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसी के साथ में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पास होना चाहिए तभी हम क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, और हमारे लिए लेने के बावजूद भी क्या आखिर वो क्रेडिट कार्ड सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो उसके आखिर फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कम्प्लीट प्रोसेस 2024 के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर SBI का क्रेडिट कार्ड हम किस तरीके से ले सकते हैं। SBI का क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका SBI बैंक में खाता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। अगर आपका बैंक खाता है तो आप यहाँ पर आप अपने मोबाइल में SBI योनो एप्लीकेशन को ओपन करके और वहां से भी आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में आप ब्रांच जाकर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका खाता नहीं है तब भी आप ब्रांच जाकर बोल सकते हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आपको लगता है कि आपकी सारी चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि अगर आपका खाता है कि नहीं है, आखिर आप क्या करते हैं, अगर आपका लग रहा है कि ऐसा कोई वर्क करते हैं जो कि उन्हें ठीक लगता है, तो वो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देंगे और आपके पास 10 से 15 दिन में आपके एड्रेस पर क्रेडिट कार्ड पहुँच जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में आखिर क्रेडिट कार्ड लेने के फ़ायदे क्या हैं और आखिर क्रेडिट कार्ड कब लेना चाहिए, आखिर क्रेडिट कार्ड को यूज कब करना चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड आखिर क्यों बनाया गया है। देखो दोस्तों, अगर आप कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो बैंक वाले सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रेडिट कार्ड को यूज किया जाए, इससे पैसे निकाले जाएं और इसमें जो पैसे हैं वो डाले जाएं। क्रेडिट कार्ड से मतलब क्या होता है, इससे आखिर क्यों लोग यूज करना पसंद करते हैं। जैसे कि हम कोई जॉब करते हैं और ऐसे में हमें बीच में कोई भी सामान खरीदने की ज़रूरत पड़ जाती है और हमारे जेब में पैसे नहीं है तो हम क्रेडिट कार्ड के ऊपर खरीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में कुछ लिमिट दी जाती है, कुछ समय दिया जाता है कि आप इतने समय तक इस क्रेडिट कार्ड पे जो पैसे आपने लिए हैं आप यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में इस डेट में आपको पैसे पे करने होंगे। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको 500 रुपये की पेनाल्टी या फिर 600 रुपये की पेनाल्टी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ही चाहिए। इसी के साथ में आप जो भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आखिर उसकी लिमिट कितनी है, उसी हिसाब से क्रेडिट कार्ड के चार्जेस लगते हैं। इसी के साथ में जो कि UPI से ट्रांजेक्शन करने की लिमिट अलग दी जाती है, कैश निकालने की क्रेडिट कार्ड की लिमिट अलग दी जाती है, वो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ। जैसे कि इस मोबाइल की जो स्क्रीन है आपको बराबर में देखने को मिल रही है, मैं यहाँ पर SBI का जो क्रेडिट कार्ड है मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जो कि मुझे 20 लाख का SBI का क्रेडिट कार्ड दे रहे थे, ठीक है, जो कि उसकी इतनी लिमिट थी, पर उसके जो चार्जेस थे वो 3500 रुपये पर ईयर के थे, ठीक है। तो मैंने उस कार्ड को नहीं लिया क्योंकि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस क्रेडिट कार्ड को लेकर क्या करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा यानी कि 40-50-60 वाला ही मैंने यहाँ पर उनसे कहा था, ठीक है, तो उन्होंने 46,000 वाला मुझे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से काम करता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और आपको कब लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे कि ये क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि मैंने आज यहाँ पर फ़ोन लिया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 28,000 रुपये का फ़ोन पड़ रहा था, 28,300 कुछ रुपए का, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर 2,000 रुपए की छूट मिल रही थी क्रेडिट कार्ड जब मैं यूज कर रहा था तब, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर हम ATM कार्ड को यूज करेंगे तब पेमेंट नहीं होगी, पर वहाँ पर हमें छूट नहीं मिलती है। क्रेडिट कार्ड अगर हम यूज करते हैं तो हमें छूट मिलती है, ठीक है, क्योंकि बैंक वाले कहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें क्योंकि तभी उनके क्रेडिट कार्ड बिकेंगे और इसी के साथ में तभी उन्हें बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा उन्हें, जैसे कि अगर आपको आपकी जो पेमेंट है वो छूट जाती है, महीना में नहीं भर पाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 500-600 रुपए की पेनाल्टी डालेंगे, ठीक है। इसी के साथ में आप फिर नहीं भर पाते हैं तो आपको डबल पेनाल्टी डालेंगे, ठीक है, और इसी के साथ में लोग कर्जा में डूब जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे में वो काफ़ी बड़े यानी कि कर्ज में चले जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम पे कर सकते हैं तभी आप क्रेडिट कार्ड को यूज करें, ठीक है, और इससे आपको बेनिफिट है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मेरे खाते में पैसे हैं, मेरे पास ATM कार्ड भी है, मैं ATM कार्ड से भी खरीद सकता हूँ, ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड से मुझे छूट मिल रही है तो मैं क्रेडिट कार्ड से उस चीज़ को ख़रीद लेता हूँ, उसके बाद में अपने मोबाइल से UPI के ज़रिए उस पेमेंट को कर देता हूँ। तो इससे यह है कि क्रेडिट कार्ड से मुझे यहाँ पर कैशबैक जो ऑफ़र होते हैं वो मिल जाते हैं, तो मैं इस तरीके से तो इसका यूज करता हूँ, ठीक है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है मुझे कि मुझ पे पैसे नहीं रहते हैं तो मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को ही यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में ये है कि आप उतनी ही सौदा को यहाँ पर परचेज करें
जितना आपको लग रहा है कि मैं हाँ पे कर दूंगा, ठीक है उस दिन, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो आपको कभी भी यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। अब मैं चलिए इसकी कुछ फीस बता देता हूँ। जैसे कि आप जब भी अगर ये 40 या 46 वाला लेंगे तो आप देख सकते हैं 46,000 रुपये की यहाँ पर टोटल लिमिट दिखा रहा है, मगर ये यहाँ पर जो कि कैश लिमिट है वो नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। कैश लिमिट 6,000 की है, 40,000 की लिमिट है वो यहाँ पर UPI यानी कि ऑनलाइन है, ठीक है। तो ये फैसिलिटी देते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है पैसे निकालते हैं, पर उसके चार्जेस अलग से भी लगते हैं इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया और आपने उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया तो बैंक वालों की जो कमाई है वो शुरू हो गई, ठीक है। ऐसे में आप हमें क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि हम पे पैसे नहीं हैं, अब हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हम शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि हमें जल्दी उधार पैसे कोई नहीं देता है, ठीक है। तो हमारे पास है तो हम उससे पैसे से कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब यही होता है। इसके नुकसान भी काफ़ी हैं और इसके बेनिफिट भी काफ़ी हैं, ठीक है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड अगर आप ये वाला लेते हैं तो मुझे 700 कुछ रुपए की पहले ही साल में फ़ीस पे करनी पड़ी थी और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि 500 रुपए पर ईयर के आपको देने होंगे, ठीक है। तो एक साल के लिए 500 रुपए ज़्यादा नहीं है, अगर 365 दिन भी होते हैं तो आपके 1.5 रुपये के समथिंग पर डे का पड़ जाता है क्रेडिट कार्ड का 1 रुपये, यानी कि एक क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो आपको 1.5 रुपये के समथिंग कुछ ही देना होते हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है। पर ऐसे में ये है अगर आपको ये बैंक है वो सीधे सीधे लोन प्रोवाइड कराती है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर आपको समय से पे कर सकते हैं तब आप क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, और आपको लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड को आप जो पैसे निकालते हैं वो समय से नहीं पे कर सकते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड को मत लीजिएगा, ठीक है। मैं भी इस क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे लग रहा है क्रेडिट कार्ड पे छूट मिल रही है और मेरे खाते में पैसे हैं तभी मैं अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करता हूँ, ठीक है। और जैसे कि पेट्रोल डलाना, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। जैसे कि कहीं होटल बुकिंग करना, ठीक है, तब मैं इस कार्ड को यूज कर लेता हूँ। बस इन कामों के लिए यूज करता हूँ, बाकी मैं इस कार्ड को जल्दी यूज नहीं करता हूँ। तो आप इन बातों को अगर ध्यान रखते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और आप सोच रहे हैं कि भाई हम पे कर देंगे यार, कैसी बात करी, ठीक है, हम सारे की सारे शॉपिंग कर लेते हैं, इतने पैसे हैं, और आपके मन में आ रही है कि भाई यार पे कर देंगे, अगले मंथ पे कर देंगे, ठीक है, कि 40 दिन की लिमिट है कि 50 दिन की लिमिट है, ठीक है, तो हम अगले मंथ पे कर देंगे, इस मंथ नहीं कर पाए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो पेनाल्टी है वो भी इस पर पड़ना शुरू हो जाएंगी, अगर आप इनकी डेट के अनुसार पे नहीं कर पाए तब, ठीक है। और ऐसे में आप लगातार डूबते ही चले जाएंगे अगर जल्दी आप पे नहीं करते हैं तब, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो इसको लाइक करें, और आपके मन फिर भी किसी प्रकार कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।